हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन राइस, जो कि बहुत ही आसान सरल तरीके से बनाया जाता है। लेमन राइस बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे लिया 250 ग्राम चावल लिया है, जो मैंने पका के रख दिया है। आप चाहे तो कुकर में भी ये 2 सीटी से पका सकते हैं, और अलग से पकाना चाहे तो ऐसे भी पका सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून मूँगफली ली है। ये लेमन राइस का पैकेट मसाला है फ्रेंड्स, इसे आप 20 ग्राम का पैकेट आता है, ये मैंने 20 ग्राम लिया है। ये मैंने 3 हरी मिर्ची लिए, जिसके 2 टुकड़े कर लिए। ये धनिया पत्ता है, ये हींग लिए मैंने 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून यहाँ पे राई ली है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद उड़द की दाल ली है, 1 टेबल स्पून मैंने चने की दाल ली है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, 10 से 12 कड़ी पत्ते लिए हैं, और 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं। और फ्राई करने के लिए हम तेल लेंगे। अब गैस पे हम एक पैन चढ़ाएंगे, और पैन में हम 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। ये फ्रेंड्स, अगर आपके रात के चावल बच भी जाते हैं, ठंडे चावल है, जैसे कोई खा नहीं रहा है, तो उस चावल में भी आप ये लेमन राइस का मसाला यूज़ करके बना सकते हैं। तेल को हम गरम होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेमन राइस का पैकेट है, इसे 20 ग्राम का पैकेट आता है। 250 ग्राम चावल के लिए पूरा पैकेट लगता है। ये कोई भी आपको जनरल स्टोर में मिल सकता है। ये तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम उसमें ये राई डाल देंगे। भाई हमारी छटक रही है, चने की दाल डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम उड़द की दाल डाल देंगे, ये जीरा है, हींग है, कड़ी लीव्स है, ये 2 सूखी लाल मिर्च है। हरी मिर्च अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप हरी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। और ये मूंगफली है, इसे हम करीब मीडियम फ्लेम पे ये दाल को सुनहरा होने तक, हम दाल और मूंगफली को सुनहरा होने तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल का कलर सुनहरा हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपने चावल पकाते समय चावल में नमक यूज़ किया है तो इसमें मत यूज़ कीजिए। अगर नहीं यूज़ किया है तो आप अभी नमक यूज़ करना कर सकते हैं। ये भी लेमन राइस का मसाला, ये ऐड करेंगे हम इसमें। और ये 1 टीस्पून हल्दी है, ये भी ऐड कर लेंगे हम इसमें। मैंने चावल पकाते समय नमक यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पे नमक यूज़ कर रही हूँ। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चावल पकाते समय भी हम नमक यूज़ करेंगे तो इसमें हमें नमक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और इसे आधे मिनट तक पकाएंगे। ये हमारा मसाला पक गया है, अब हम इसमें पकाए हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे। ये चावल हमने इसे ऐड कर दिए हैं, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करना है। खाली इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम पे ही हमें ऐसे मिक्स करते हुए पकाना है, फिर हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। ये देखिए हमारे चावल पूरे मिक्स हो गए हैं, अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लेमन राइस बन के तैयार हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। एक बार ज़रूर ये करें, ट्राई करें रेसिपी।